तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज 4 मार्च है, जिसका बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो जैसा कि आप लोग जान रहे, रेलवे के द्वारा एक 26 तारीख को कमेटी का गठन किया था, 26 जनवरी को, और उसने बोला गया था कि 4 तारीख को अपना रिपोर्ट सौंपेगी, और बहुत सारे स्टूडेंट के ग्रीवेंस लिए गए थे, सलाह लिए गए थे। तो ये देखिए, आज तो 4 मार्च है ना, आज जो कमेटी जो बनी है, वो अपना रेलवे मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। अब डिपेंड करता है कि मंत्रालय इस पर क्या फैसला लेता है, और मंत्रालय को तो सभी पता, और जैसे कि जानते हैं, उसमें मेन हमारा मुद्दा था कि ग्रुप डी का जो है CBT 1 सिर्फ लिया जाए, है ना, जो 2 एग्ज़ाम नोटिस निकाला था वो नहीं कैंसिल किया जाए, फिर EWS का नया पुराना सर्टिफिकेट का जो लोचा था वो स्टूडेंट को मतलब कि सॉल्यूशन किया जाए, और NTPC का रिवाइज रिजल्ट जो कि आपका मतलब 7 लाख लिया जाए जितना बोला गया था, है ना, ठीक है, जो रिपीटेड थे वो बोला कैंसिल करके फिर से 7 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट और दिया जाए जिनको नहीं दिया गया था। तो ये था, तो आज जो रिपोर्ट आना था। अब मेन मुद्दा है कि आज मतलब कब तक ये नोटिस आ सकता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम को लेकर के, है ना, और रिजल्ट को लेकर के। तो देखिए, आज कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी, पूरा बन चुकी, और ये तो थोड़ा सा आप लोग जाने पहले ही पता है क्या है इशू, नहीं है बस झूठ मूठ का, लगभग मतलब सबको पता ही था, रेलवे को भी पता है कि क्या है लोगों के इशू, क्या है, क्या सुधार करना है। तो अब कमेटी सौंप दी है रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के ऊपर, अब मिनिस्ट्री क्या अपना निर्णय लेती है और फिर उसको RRB सारे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्या बोले, अब टाइम क्या, अगर वो चाहेंगे तो टाइम नहीं भी लग सकता, अब रेलवे मिनिस्ट्री तो, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारे ही हित में फैसला आने वाला है, नहीं तो फिर जल्दी एग्ज़ाम होगा। हाँ, अब जल्दी एग्ज़ाम होगा। और एक बात बता दूँ, सबसे मेन जो है हम लोग का, जैसे कल से ना, कल से टारगेट, कल से हम लोग का टारगेट है ना, टारगेट ग्रुप डी का स्टार्ट हुआ था Day 1 करके, जिसमें, और जो नए हैं उनको बता दूँ कि हम लोगों ने क्या शुरू किया था, बहुत सारे आप ही लोगों का कमेंट आ रहा था, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने किया कि आपका ग्रुप डी का, ठीक है, डेली 50 मैथ, रीजनिंग के डेली 50 मैथ, जो मैथ मैं देता हूँ 50 मैथ अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पे, और मनबोध जी आप रीजनिंग, हाँ रीजनिंग डेली ये अपलोड करेंगे, है ना, आज से ही आपको ये अपलोड कर देंगे, और कल से मैं मैथ का कर रहा हूँ। और इसका देखिए, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियल आपको इसका एग्ज़ाम में देखने को क्या मिलेगा, कि जैसे मैं उसमें कर रहा था तो मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहा था, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसमें 1-2 दिन में मैं, है ना, NECIT जो है बेस्ट एग्ज़ाम है ना, वो भी मैं पैटर्न को डालूंगा और दूंगा, डेली 50 मैथ का, डेली 50 रीजनिंग का ये डाल देंगे, और 1-2 दिन में, हाँ साइंस का भी रवि भैया है ना, तो साइंस का भी होगा, साइंस उसमें GS मिला करके 50 क्वेश्चन वो भी हम लोग डालेंगे, अभी सारा प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और जैसा बता दो कि जैसे मैथ का डाल रहा, तो मैथ का सिर्फ मैं क्वेश्चन अभी डाल रहा हूँ, जैसे मैंने आज मॉर्निंग में डाला था मैथ का 50 क्वेश्चन डाल दिया था, ठीक है, अब ये अभी नहीं डाले मनमोज, अभी नहीं डाले, ये आज ही डाल दीजिएगा ना, शाम में आज ही डाल देंगे, हाँ तो शाम में डालेंगे, तो ये सिर्फ क्वेश्चन डालेंगे। और बात करते हैं कि हम जैसे भी सुबह में मॉर्निंग में आपको डाले 50 मैथ का क्वेश्चन, वो भी सारा प्रीवियस ईयर था, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन था, ठीक है। अब बात करते हैं उसका सॉल्यूशन, मैं तुरंत नहीं दूंगा आपको, सिर्फ PDF दे दिया जाएगा क्वेश्चंस का, 50 क्वेश्चन का 50, 55 या 60 रहेंगे, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन है ना मात्र लगभग आपको 6-7 घंटे बाद दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा, ये भी दे देंगे, और हम भी अपना मैथ का दे देंगे, जैसे अभी मैथ का अपलोड नहीं किए हैं, आंसर की देंगे, उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन जो है वो भी आपको अपलोड कर दूंगा। अब लोग सोचोगे कि तुरंत क्यों नहीं दे रहे हो भाई, तुरंत दे देना चाहिए तुमको, है ना, क्यों नहीं दे रहा, कि देखिए जब आपके पास क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप बनाओगे, थोड़ा टेस्ट जैसा फील होगा, आप थोड़ा सा ज़्यादा इफर्ट लगाओगे, तो मतलब मज़ा आएगा उसको देने में, आंसर तो मिल ही जाएगा, है ना, तो ऐसा डेली लगेगा कि आप टेस्ट में दे रहे हो, डेली लगेगा कि टेस्ट दे रहे हो, तो आप में इंप्रूवमेंट आएगा, आपसे जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको कमियों को पता चलेगा, उसके ऊपर आप लोग काम ढंग से। तो जैसा कि अभी हम लोग थोड़े से अंधेरे में चल गए थे, तो लाइट कट गया था, तो हम लोग को पता भी नहीं था, तो पता था टाइमिंग, लेकिन ऐसे में तो ध्यान नहीं था, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन मैथ के मैं डेली दूंगा, 50 क्वेश्चन ये देंगे, ठीक है, रीजनिंग के दे देंगे, और 50 क्वेश्चन GS का कोशिश करूँगा आज ही डालो, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और वो सब बुक से मिला करके रहेगा, ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट हुआ है वो खत्म करेंगे। अभी आप लोग सोचिए, और ये चलेगा जब तक कि हम लोग का पूरा ग्रुप डी एग्ज़ाम ना हो, है ना, चलेगा तब तक चलेगा, और उसका 6 घंटे के बाद तुरंत आंसर की नहीं देंगे आपको, 6 घंटे के बाद, है ना, जैसे मान लीजिए मैं मॉर्निंग में दिया, 6 बजे अपलोड कर दे रहा हूँ सुबह में, तो आपको मतलब 12 बजे तक आपको देंगे, तब तक आप सॉल्यूशन करो, आपके पास इतना टाइम रहता है, आराम से टाइम ले करके, रूल्स वाले बुक आपके पास है, वो बुक लगा करके रूल्स को सारे फॉलो करके आप क्वेश्चंस बनाइए, थोड़ा सा टेस्ट वाला फीलिंग आएगा, है ना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन आंसर की पूरा मैं डाल दूंगा, 6 तो रीजनिंग
मैथ हो गया और आपका जीके जीएस और करंट अफेयर है ना, जीएस का, ठीक है, जीएस और साइंस का, ये तीनों का हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा सस्पेंस, मतलब पेशेंस थोड़ा सा बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत इसके पीछे मेहनत करना पड़ता है, फोटो खींचना पड़ता है, स्कैन ढंग से करना पड़ता है आप लोग के लिए। तो आप ही लोगों के कहने पर अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है, मतलब रेगुलर कीजिए, जो देंगे फ़ायदा रहेगा, और ये देंगे तो आपको अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए आप ऐसे बनाने बैठे हो तो बनाने का मन नहीं करे, लेकिन एक टारगेट के तहत काम करोगे कि नहीं हमको 50 मैथ बनाना, 50 रीजनिंग बनाना, तो इस तरह आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब टेंशन नहीं लेना है, रिपोर्ट सौंप देगी, उसके बाद तो एग्ज़ाम डेट तो आना ही आना है, ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है, बस नोटिस का इंतज़ार करते हैं कब RRB रिलीज कर दे नोटिस, है ना, सब काम हो गया है, ठीक है। अब जब भी नोटिस कर दे और एग्ज़ाम डेट होगा तो हम लोग को एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचना है, ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में फोकस करना है, क्या कमी है उसके ऊपर काम करना है। तो चलिए इसी के साथ यहीं पे, है ना, वीडियो को रखते हैं